अरे आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। लेकिन कदम पीछे नहीं हटाया, हंसते हंसते कह दिया कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, अपनी भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। इस देशभक्ति रागनी पे खुश होकर आदरणीय पवन जून जी, जिनके यहाँ पे, जिनकी कंपनी के यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, वो भी इस रागनी पे खुश होकर 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बड़े भाई का तहे दिल से धन्यवाद। और इधर से 100 रुपए का पुरस्कार आया, जिन्होंने भी इस देशभक्ति रागनी पे खुश होकर पुरस्कार दिया, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और बबलू जी का दूसरी लाइनों में किस किस ने बलिदान दिया इस देश के लिए। भारी धूम मचाई हर हंसते हंसते भगत सिंह ने
पिता और भाई, ये बात पिता और भाई। हर फेर हिंद में चाल पड़ा रे, फेर हिंद में चाल पड़ा, कफन बांध लिया सर के, आजादी की लिखी कहानी, कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। सिंह अपनी जान दे गया अपने मिश्रताओं, फिर भी किसी शहर ने ये लिखा कि माना कि मैं सम्मान करती हूं अरे गांधी तेरी सीखों का, पर मेरा दिल तो कर्जदार है भगत सिंह की चीखों का। जने कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आजादी आई थी। कुछ लोग ये मानते हैं कि सिर्फ एक मात्र गांधी जी की वजह से इस देश को आजादी मिली, लेकिन मेरा अपना मानना नहीं है। और अगर आप भी मेरी बात से सहमत हो तो भगत सिंह के लिए तालियां बजाना। सुनने के बाद जवाब दिया कवि ने कि इस देश में आजादी कैसे आई, के हिंसा अगर पहले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता, हिंसा अगर पहले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता, अर्जुन घर कायर नहीं बनता, गीता का ज्ञान नहीं होता। उस नेता और भगत सिंह का, उस नेता और भगत सिंह का घर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने ही गांधी मर जाते, आजादी का सैगान नहीं होता, आजादी का सैगान नहीं होता। तीसरी लाइनों में क्या लिखा वाला, अंग्रेज बना के टोली, अंग्रेज बना के टोली, हर एक लब का नाम ले लिया, मार रहे थे बोली, हर बोली राजगुरु सुखदेव ने आके देश की निंद्रा खोली, वो देश की निंद्रा खोली। कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए, कुछ लोगों ने नहीं किए। अरे जिस देश में आप रहते हो उस देश के लिए हाथ खड़े नहीं कर सकते तो और क्या करोगे। अगर सच्चा हिंदुस्तानी हो तो उठाइए दोनों हाथ। क्या बात है, बहुत धन्यवाद। कैमरा घुमा, हिंदुस्तानी बैठे हैं। कैमरामैन साहब इधर भी पोज ले लीजिए एक दो, क्योंकि ऐसे ऐसे श्रोता कहीं कहीं मिलते हैं।
हर जगह नहीं मिलते ऐसे श्रोता। आप सभी ने, मैंने कहा कि जो इस देश से प्यार करता है वो हाथ खड़े करिए, आपने हंसते हंसते किए। और अगर कोई आपसे आकर ये कहे कि तुझे इस देश के लिए जान देनी है, तो मुझे पता है कि आप जान भी दे दोगे ना इस देश के लिए, जान दे दोगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है प्रेमी श्रोताओं कि जिस देश में हम रहते हैं, बहुत बदनीवाद अंकल जी, उसी देश में कुछ ऐसे गद्दार हैं जो भरे संसद के अंदर ये कह देते हैं कि चाहे मेरी गर्दन पे छुरी रख दो लेकिन मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अरे जो देश का नमक खाता हो, देश में रहता हो और फिर भी देश की जय ना बोले, तो क्या ऐसे इंसान को अधिकार है देश में रहने का? बताइए, नहीं है। अब मैं अपने मुख से तो उनका नाम लेना नहीं चाहती कि वो कौन शख्स है जिसने ये कहा संसद के अंदर कि चाहे मेरी गर्दन पे छुरी रख दो लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। लेकिन बड़े अच्छे कवि हुए मुस्लिम समाज के, और उन्होंने जवाब दिया और कहा अगर जवाब अच्छा लगे तो उन कवि के लिए तालियां बजाना, और उस इंसान का नाम भी आएगा जिसने ये शब्द कहा था कि मैं जय नहीं बोलूंगा चाहे मेरी गर्दन पे छुरी रख दो। सुनना मेरी लाइन के माध्यम से, कहा कि तूने कहा सुना हमने, कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल के सुन ले तू। अरे सुन सुन ओ गद्दार ओबेसी, कान खोल के सुन ले तू। अरे तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की, रे तूने हिम्मत कैसे की मेरी माँ की जय नहीं लगाने की। जिस दिन भारतवासी संसद में, अभी तो कुछ भी नहीं है तालियां अब बजाना सुनने के बाद, कि जिस दिन भारतवासी संसद में शिव शंकर बन के डोलेगा, अरे तू तो क्या ओबेसी, तेरा अब्बा भी वंदे मातरम बोलेगा, वंदे मातरम बोलेगा, वंदे मातरम बोलेगा। अरे तू नहीं जानता हम भारतवासी हैं, बड़ा नरम दिल है हमारा, लेकिन जिस दिन अपने पे आ गए ना तो तेरे बच्चे को कोलू में पिलवा देंगे, बच्चे बच्चे को। तू नहीं जानता किस तरह से क्या लिखा, के बंधन तोड़े।